स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फ्री जानकारी। आज की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज, यूपी ग्राम पंचायत चुनाव, उत्तर प्रदेश प्रधान सरपंच चुनाव 2020 कब होंगे, ताज़ा खबर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी में कब होंगे चुनाव और आपको इस वीडियो में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरी देखें लास्ट तक, आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो पहले नंबर, उत्तर प्रदेश में प्रधान सरपंच चुनाव ताज़ा खबर, ग्राम पंचायत चुनाव 2020 लास्ट न्यूज। तो दूसरा नंबर, यूपी पंचायत चुनाव 2020, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव। और तीसरा नंबर, कब होंगे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव, तो यूपी पंचायत इलेक्शन डेट कब होगी। तो चौथा नंबर है, क्या रहेगी उत्तर प्रदेश में सरपंच चुनाव की प्रक्रिया। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट ऑप्शन में ज़रूर बताएं कि किस गांव से या किस जिला से यूपी में कब होएगा चुनाव। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखते रहें। तो दोस्तों, आप सभी ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव आखिर कब होंगे और इसके लेख में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीख के बारे में बता दें कि जाएं उत्तर प्रदेश में सरपंच चुनाव 2020 की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव कब होएगा और इसके संबंधित फेक जानकारी कुछ शरारती फैला रहे हैं कि आपको बता दें कि इससे संबंधित कोई भी अधिक सूचना या जानकारी अभी तक चुनाव विभाग ने नहीं दी है, इसलिए किसी भी झूठ जानकारी पर विश्वास ना करें। तो कोरोना महामारी के चलते तैयारी पर नहीं होने के कारण चुनाव की कुछ देरी लग जाएगी और पंचायत उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे। पंचायती संस्था के कार्यकाल पूरे होने से पहले ही उसमें से प्रशासन तैनात कर रही है। ग्राम पंचायत सहायक विकास अधिकारी, पंचायत क्षेत्र पंचायत व उप जिलाधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी को फिर शासन बनाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ी अब नई रोचक जानकारी सामने आ रही है। तो 19 अगस्त को अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने अभी सभी जिला अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट की पुनरीकरण के कार्यकाल 1 सितंबर से शुरू करने के लिए आयोग विचार कर रहे हैं। इसके लिए पंचायत की वोटर लिस्ट के लिए शुरुआत प्रबंधक कराए जाएं, मगर उसी दिन आयोग ने पत्र वापस भी ले लिया है। अब ऐसी होने की वजह से ये स्थिति उत्पातन हो गई है। तो दोस्तों, आपने हमें कीमती समय दिया और कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।